हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी कहां पे एंट्री कर सकता है, कौन से डायरेक्शन में। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर है उसमें पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, उसका ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो डेली मैंने जिसे आपको टारगेट दिया था डेली, तो अराउंड 27,000 के आसपास मुझे लगा मार्केट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लास्ट फ्यू डेज नीचे आ रहा है, राइट। तो लोअर लो लोअर हाई बना के, तो यहाँ से एक मैंने जैसे आपको एक सपोर्टिंग लाइन दिया था 26,500, तो वहाँ एग्जैक्टली मार्केट टारगेट हिट हुआ और मुझे लगा ये नेक्स्ट पुल अप होगा 27,000 का आसपास, तो फिर से वहाँ से नीचे आने का चांसेस है। तो अगर आपने बाय किया हुआ है पुट ऑप्शन तो 27,000 के आसपास निकाल जाना चाहिए। तो अगर जिसे हम 15 मिनट जहाँ पे एंट्री करता है वहाँ पे अगर देखे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोअर लो क्रिएट करके मार्केट आ रहा है और 150 मूविंग एवरेज और 200 एक सपोर्टिंग बना के मार्केट नीचे आ रहा है। तो जैसे यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ तो फिर से पुल अप हुआ, जैसे 200 मूविंग एवरेज 150 मूविंग एवरेज के आसपास फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ से थोड़ा बहुत हायर हाई बनाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर का ये गलत हो जाता है क्या यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक नेक लाइन बनाया था, राइट, तो एक हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, तो उन लोगों को लगता है ये नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, राइट। एग्जैक्टली क्या होता है, ये डाउन टेन छोटा टाइम फ्रेम में डाउन टेन प्लेस हुआ है, तो इसलिए आपको और पहले मार्केट बिहेवियर से देख सकते हैं आप 150 मूविंग एवरेज से ये बाउंस बैक हुआ है, तो मुझे लगा है ये मार्केट फिर से 150 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा, फिर से वहां से मार्केट नीचे आने का चांसेस है, राइट। तो अगर आपने देखिए यहाँ पे डायगोनल लाइन अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे, यहाँ पे मैंने हायर पॉइंट को कनेक्ट करके एक डायगोनल लाइन कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब जब कनेक्ट किया ये डायगोनल लाइन तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें एक रेजिस्टेंस मिला, तो हम क्या करेंगे, ये एक देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से क्या होता है एग्जैक्टली मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा, जो ट्रेडर सोचता है ये और जाएगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से घूम के मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस है, तो इसलिए इसका नीचे आपको बाय करना थोड़ा रिस्क हो सकता है। अगर बाय करना है तो 27,200 का ऊपर कर लीजिए, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। तो अगर यहाँ पे आसपास ये बाउंस बैक ट्रेडिंग है, जो बाउंस बैक ट्रेडिंग होता है, तो जब 27,000 का आसपास मार्केट जा सकता है तो वहाँ से फिर से पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और टारगेट 26,500 का आसपास। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.